एमएम फॉर्जिंग्स एक बहुत पुरानी कंपनी, एमएम फॉर्जिंग्स लिमिटेड। और पहले मैं टारगेट एक बार बता देता हूँ, 1050 से लेकर 1100 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और एक बहुत पुरानी कंपनी, और तीसरी बार जेम्स में मैं कवर कर रहा हूँ, हर बार टारगेट्स अचीव हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 1946 से कंपनी कार्यरत है। और पहले ये ग्रुप एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, जो ये बुलेट बनाती थी उसकी भी डीलर हुआ करती थी। बाद में उस बिजनेस को बंद किया और पूरा फोकस 1974 से ये ग्रुप इस पर्टिकुलर बिजनेस में। और बहुत सारे प्लांट्स इनके अब साउथ इंडिया में है। और दूसरी बात ये है, थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो है मिस्टर विद्याशंकर कृष्णन, IITM, IIT मद्रास, वो अब इस पूरे बिजनेस को संभाल रहे हैं। बहुत एफिशिएंटली कंपनी ने ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में इस पर्टिकुलर मतलब मैनेजमेंट के अंडर में। और अब मैं एक बार बता दूं क्या करती है। देखिए, आज वैसे आइडिया फोर्ज IPO आया हुआ है, फोर्जिंग एक वर्ड इसमें कॉमन है, बट अदरवाइज वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाती है। और ड्रोन के ऊपर आपने काफी डिस्कस किया, और ये बनाती है ऑटो इंसिलरी। और ऑटो इंसिलरी में काफी बुलिश हूँ, काफी दिनों से बहुत सारे स्टॉक्स हमने रेकमेंड किया है। तो ये स्टील फॉर्जिंग्स बनाती है रॉ और सेमी मशीन और फुल्ली मशीन स्टेजेस में कार्बन एलॉय, माइक्रो एलॉय और स्टेनलेस स्टील्स के। और पैसेंजर कार कंपोनेंट्स बनाती है, कमर्शियल व्हीकल कंपोनेंट्स बनाती है, एग्रीकल्चरल कंपोनेंट्स बनाती है, ऑफ हाईवे कंपोनेंट्स, हाई प्रेशर वाल्व कंपोनेंट्स, तो सबके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। और कंपनी में देखिए ग्रोथ जो आई है वो इस बार डोमेस्टिक सेगमेंट से आई है। पहले 50-50% का शेयर रहता था डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स दोनों का, बट इस बार डोमेस्टिक में बहुत बढ़िया ग्रोथ आई है, एक्सपोर्ट्स थोड़ा सुस्त था, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 65% के लगभग डोमेस्टिक सेल से आती है और 35% के लगभग इनकी एक्सपोर्ट से आती है। और अब मैं देख रहा था इन्होंने पास्ट में कुछ एक्विजिशंस भी किए, उससे भी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स कंपनी को मिला है। कॉनकॉल के नोट्स देख रहा था तो वहां पे भी ये आ रहा है कि ये लोग कैपेक्स भी आगे कर रहे हैं, 500 करोड़ के कैपेक्स आने वाले 2 साल में करेंगे। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ तो देखिए कंपनी में दिख ही रहा है। और दूसरी बात, परफॉर्मेंस स्टेडी है, रोबस्ट ग्रोथ का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है, और वैल्यूएशन सस्ते हैं इसलिए बहुत बढ़िया लगता है। और क्रेडिट रेटिंग्स बहुत बढ़िया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी बहुत बढ़िया करती है। अब देखिए 2100-2200 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 16-17 के पी मल्टीपल पे चल रही है, और 17% के लगभग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 18-19-20% के लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल में सेल्स की क्या कर रही है 25%, प्रॉफिट की क्या कर रही है 40%, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करती है 18% के लगभग कंसिस्टेंटली। और बहुत बढ़िया क्वार्टर रहा पिछले मार्च के मुकाबले, ये मार्च बहुत बढ़िया रहा, और हाईएस्ट एवर एनुअलाइज्ड प्रॉफिट्स दिया है कंपनी ने 126 करोड़ का, और 1400 करोड़ का टॉप लाइन और बॉटम लाइन 126 करोड़। फिर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो वो भी बहुत इंप्रेसिव है, FIIs ने भी स्टेक बढ़ाई है और DIIs ने भी बढ़ाई है। सो ओवरऑल 19% के लगभग FIIs DIIs होल्ड करते हैं। और कुछ नए म्यूचुअल फंड, इवन टाटा म्यूचुअल फंड है या PGIM ट्रस्टी, ये सब भी एंट्री लिए हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जो मैंने टारगेट बताया 1050 से लेकर 1100, आने वाले कुछ महीनों में या 2-3 क्वार्टर्स में अचीव हो सकते हैं।